तो दिल्ली पुलिस के वकील इस वक्त जानकारी देते हुए कि पंजाब सरकार की याचिका में बग्गा का जिक्र नहीं है और जो भी कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से वो जो सेट प्रोटोकॉल होता है जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी करने जाती है उसे नहीं माना गया। तो एक बार फिर से रुक कर लेते मेरे सहयोगी जोगिंदर पटियाल का। जोगिंदर माफ कीजिएगा, मुझे पहले आपको रोकना पड़ा था, लेकिन अब आप कह रहे थे कि मंगलवार को दो केसेस में सुनवाई एक साथ होगी, पूरी बात बताइए। खबर ये आ रही है कि तेजेंद्र बग्गा ने जो मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है उसे क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज जब ये मामला हाईकोर्ट में आया तो सुनवाई से पहले ही ये कहा गया कि दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो मंगलवार को की जाएगी। हाईकोर्ट ने ये कहा, यानी जो पंजाब पुलिस की तरफ से याचिका रखी गई है कि किस तरह से हरियाणा पुलिस ने उनके एक आरोपी को बीच रास्ते में पकड़कर दिल्ली के हैंडओवर कर दिया, ये एक याचिका पंजाब पुलिस की तरफ से है जिसमें एडवोकेट जनरल पेश हुए, और दूसरी तरफ जो बग्गा ने कहा है कि के खिलाफ गलत एफआईआर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाए, इसकी भी सुनवाई अब क्लब करके दोनों केस इकट्ठे सुने जाएंगे। तो मंगलवार को सुनवाई होगी, आज कुछ भी नहीं हो पाया। अब ये जो सियासी बवाल है मुझे ये लगता है कि मंगलवार तक यूं ही जारी रहेगा। और साथ ही जगविंदर, अगर दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं उनकी उनका जो बयान आया है अभी उस पर बात करें तो दिल्ली पुलिस का पक्ष ये है कि हमने तो जो शिकायत दर्ज की है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है, क्योंकि तेजिंदर पाल के पिताजी का ये कहना था कि कुछ अज्ञात लोग जो कि वर्दी में भी नहीं थे वो मेरे बेटे को उठा के ले गए, और ये भी एक तरह से पंजाब पुलिस ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। अगर वो दूसरे राज्य में जा रहे थे तो फिर वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं गए? देखिए, पहली बात ये होती है प्रीति कि जो भी जिस पार्टी का वकील होता है ना वो अपने पक्ष की बात करता है। पंजाब पुलिस अपनी बात करेगी, दिल्ली पुलिस का वकील अपनी बात करेगा, हरियाणा वाला अपनी बात करेगा, उसमें सारी की सारी सच्चाई नहीं होती है। लेकिन इसीलिए तीनों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ये डायरेक्शन देगा कि किसकी किसके स्तर पर कितनी गलती है, नंबर एक। नंबर दो जो है, ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी आदमी को उठा के लाएं और ये ना बताया जाए, भले प्लेन कपड़ों में हो वर्दी में हो, वहां वीडियो बने होंगे इस बात के, और अगर कोई डीएसपी जनकपुरी थाने गया है विद यूनिफॉर्म और शाम तक वो वहां बैठा रहा है तो ये बात नहीं है कि इसका पता नहीं था कि कौन आदमी बग्गा को कौन उठाकर लेके गया। ये बातें अलग है, ये अब कोर्ट देखेगा। अगर मैं और आप बात करेंगे तो गलती हरेक के स्तर पर थोड़ी थोड़ी रहती है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल बॉसेस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए पुलिस से जो कुछ हुआ है अब उसमें कौन कितना सही और कौन कितना गलत था, क्या प्रोसीजरल लैप्स था, ये हाईकोर्ट तय कर देगा कि किसकी कितनी गलती थी। लेकिन कोई भी पार्टी ये थोड़ा मानती है हाईकोर्ट में जाकर कि हां मेरे आदमी ने गलती कर दी है, वो कहते हैं हमने गलती नहीं की है, दूसरी पार्टी की गलती है। अब दूसरे को ये जस्टिफाई करना है कि उसने गलती की है या नहीं की है, उसके बाद हाईकोर्ट कागजों के आधार पर अपना निर्णय देगा, आगे की गाइडलाइंस इश्यू करेगा। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।